हेलो वेलकम, लेट्स डिस्कस क्लास 11 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इन अ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स। सो पहले हम लोग देखेंगे कि यूनियन होता क्या है। तो यूनियन जो होता है अगर हमारे पास दो सेट हैं, सपोज कि एक सेट ए है एक सेट बी है, ए में जो है एलिमेंट 1, 2, 3 है और बी में एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो यूनियन क्या होगा? यूनियन मीन सिंपल अगर हम लोग देखें तो वो सारे एलिमेंट को कंडक्ट कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो लेकिन वो एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ए और बी का यूनियन क्या हो गया, 1, 2, 3 लिखिए, 1, 2, 3। और देखिए यहाँ 2, 3 पहले से हो चुका है तो इसे छोड़ के नेक्स्ट लिखेंगे 4, 5। तो ये हो गया हमारा यूनियन। इसी तरह से आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? अगर मेरे पास यही दो सेम सेट है तो इन्हीं दोनों में से जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। ये यूनियन का साइन था और ये है जो इंटरसेक्शन का। ओके, ये कब साइन है और ये रिवर्स उल्टा यू बोल सकते हैं आप लोग। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह पढ़ते हैं। और ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 और 3। तो ये हो गया 2, 3, ये हो गया इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, कि इससे यूनियन निकालना था और एक्स जो है 1, 3, 5 और 1, 2, 3 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए यूनियन का साइन और वाई इज इक्वल टू, पहले लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर 1 एक साथ ही सजा के लिख देते हैं 1, उसके बाद 2 यहाँ है 2, फिर 3 यहाँ है 3, और 3 लिख चुके हैं रिपीट नहीं करेंगे, एंड नेक्स्ट इज 5। हो गया ये हमारा आंसर। ओके, होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्या देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनका यूनियन निकालना है। तो लिखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ए है, ए एज इट इज़ लिखिए, यहाँ देखिए बी बी, फिर सी सी, डी नहीं है, ई, फिर आई ओ यू, फिर कॉमा देखिए आई ओ यू, ये हो गया हमारा यूनियन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ए जो है एक सेट है, एक्स इसका एलिमेंट है और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो किस तरह लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 जो होगा, 3 का टेबल बोल सकते हैं, 3, 6, 9 इसी तरह से चलता जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट नहीं दिया हुआ है। ओके, इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 और क्या है, लेस देन 6 मीन्स कि ये 5 तक जाएगा। तो ये हमारे पास दो सेट बन गया। अब इनका हम लोग को निकालना है यूनियन। तो यूनियन कैसे लिखते हैं हम लोग, ए यूनियन बी। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हैं, तो लिखिए 1, 2 के बाद क्या है 3, 4, 5 और यहाँ क्या है 3, 6, 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 5 और करके लिख देंगे, क्योंकि ये जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए इसे डायरेक्ट ही लिख देंगे हम लोग मल्टीपल ऑफ 3। ओके, इसमें सारा आ गया मल्टीपल ऑफ 3 में, 3, 6, 9, 12 जो भी नंबर्स होंगे सेट ए के वो सारे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक सेट है ए, एक्स इसका एलिमेंट है, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और ये लेस देन इक्वल टू 6 तक है, 1 से स्टार्ट है। तो इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखिए ए इज इक्वल टू, देखिए ए 1 से स्टार्ट है, लेकिन ये क्या है साइन, कि 1 से बड़ा होगा, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। हम लोग सेट इंटरवल में देख चुके हैं, तो यहाँ स्टार्ट किससे होगा, 2, 3, 4, 5 और यहाँ इक्वल टू साइन है, मतलब कि 6 भी इंक्लूड होगा, तो 6 हो गया रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका, देखिए 6 से ग्रेटर है
मीन्स यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है तो 6 नहीं आएगा, तो लिखिए 7, 8, 9। और यहाँ यहाँ भी क्या है, लेस देन का साइन है, 10 इंक्लूड होगा क्या, नहीं इंक्लूड होगा, तो इसे कर दीजिए क्लोज, हो गया। अब इसका निकालेंगे हम लोग यूनियन, तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या क्या हो गया देखते, सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 से स्टार्ट है, तो लिखिए 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में, लेकिन हमें जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम लोग इसे लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो देखिए इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा, यहाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट हो गया, और ये लेस देन होगा कहाँ तक, 10 तक, मीन्स इसमें 10 इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहाँ 9 तक ही था इसलिए 10 इंक्लूड नहीं करेगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी निकालना है, हमारे पास दो सेट दिया हुआ है 1, 2, 3। फाइव को किसी के साथ भी यूनियन निकालना हो तो वो नंबर सेम हो जाता है, मीन्स कि 1 यूनियन 5 अगर निकालना हो तो 1 ही हो जाएगा, 2 यूनियन 5 निकालना हो तो 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह 1, 2, 3 यूनियन 5 निकालना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इस तरह लिख दूँ 1, 2, 3 यूनियन 5, तो सेम यही सेट आ जाएंगे, मीन्स 1, 2, 3। ये हो गया हमारा आंसर। होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।